एक्चुअली कि जो मोटा मोटी जो बात कह रहे हैं कि आप अगर किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी करते हैं तो आपके ऊपर भी कुछ कोई बोल रहा है तो यू हैव टू हैव दैट स्पोर्टिंगनेस दैट स्पोर्टिंग स्पिरिट टू डाइजेस्ट. थोड़ा ओरिजिनलिटी लाते विराट तो अच्छा होता. वही चीज किया गौतम गंभीर काफी था. हमने हमने जो बात पिछली बार करी थी कि ये विराट ने करना है इस मैच में कि वो एक जो था बिकॉज गांगुली या विराट था याद है हमने बात करी थी गांगुली या विराट की बात हो वो भी सबसे पहले हमने बताया था. गंभीर और विराट की बात हो वो भी हमने करा था कि विराट इस मैच में यूं करेंगे बिकॉज गंभीर ने करा ही यूं जो करा है वो क्राउड के लिए नहीं करा है वो विराट कोहली के लिए करा है. बट वही था कि मैं कुछ ऑफिशियल से बात कर रहा था इट्स अ वेरी डिस्टेस्टफुल डिस्गस्टिंग व्हाट दे हैव डन किस बच्चे देखते हैं. हां जी जब नीता अंबानी से इसकी गाली गलौज करते हो जब गर्ल चाइल्ड देखती है वन केडे में विराट कोहली हाँ ऋतिक शौकीन और नीतीश राणा का जो फाइट हुआ था गाली गलौज हुआ था. अब यहाँ पर भी बच्चे लोग ही देख रहे हैं. वी लुक अप टू विराट. विराट कोहली वॉज लिटिल बेटर यस्टरडे फाइट में उनका दोष कम था हम ये कह सकते हैं. मगर लास्ट में ऐसा हो गया था कि मेरा एक पार्किंग है और उस पार्किंग में मेरा एक गेस्ट आया कोई पड़ोसी का गेस्ट आया उसने मेरा पार्किंग में गाड़ी लगा दी. ठीक है तो इनका पार्किंग था वो अच्छा विराट कोहली है अच्छा क्या कि वो हाथ जोड़ा कि ऐसा मत करो तो मैं फिर शुरू हो गए तो वेस्ट दिल्ली में अगर पार्किंग लेके आप फाइट कर रहे हैं या ईस्ट टिपिकल दिल्ली वाली लड़ाई दिल्ली साउथ में भी होता है बसंत कुछ भी होता है किसी के पार्किंग में रखोगे गाड़ी विराट और गंभीर में देख लेंगे हाँ क्या कर लेगा तू. दिल्ली का टिपिकल स्टाइल होता है ना ये विराट और गंभीर बट देखने में जैसे आपने जो हो रहा था नहीं लास्ट में वो हो रहा था समझ गया मैं. बट आपने जो बोला कि विराट का कम दोष दिखा थोड़ा कल आपको गंभीर जिस तरीके से गए और विराट ने तो उन्हें देखिए शुरुआत में वही हुआ ये हुआ ठीक है फिर वो नावेद और इसका नवीन उल हक तो बात यह कि विराट वाज नॉट ओनली आफ्टर हिम ही वाज जनरली स्लेजिंग अ लॉट यस्टरडे बिकॉज़ ही वांटेड टू विन द गेम ठीक है 126 कोई बड़ा स्कोर नहीं है दे हैड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा उनको और ज्यादा एक्स्ट्रा जान मारनी थी एक्स्ट्रा जान मारना और इसलिए उसने एक्स्ट्रा जान माना और ये गेम ऐसा है कि फाइनल मैच से बड़ा है इनके लिए बिकॉज़ ये दोनों का जो ईगो आपस में टकराव ये जो 36 का आंकड़ा है विराट कोहली और इसका और ये गांगुली विराट कोहली टाइप नहीं है ये पुराना दिन से चल रहा है ठीक है और ये कहीं ना कहीं तो जाके ऐसा होना ही था. अब आगे का दिनों में देखिए कैसा होता है सामने सामने आ गया तू करना है कर ले मैं देख लूंगा तू क्या है यू नो दैट काइंड ऑफ यू नो basically questioning each other's existence. कि तू बड़ा कि मैं बड़ा तो यहाँ पर और एक चीज मुद्दा आता है how you have to be a good loser. हाँ गौतम गंभीर गौतम गंभीर का टीम हार गया he couldn't take it he wasn't playing वही मैंने बोला उनका वो है कि हार गए और बर्दाश्त नहीं हुई हार और तभी इतना ज्यादा गुस्सा और अग्रेशन और गाली और लड़ाई और झगड़ा और मैं आ जा तू आ जा देख लूंगा दिल्ली में गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे विराट कोहली बैटिंग करने गए पुजारा और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे सेकंड इन दिल्ली में एक ही टेस्ट एक ही इनिंग्स हुआ था दो इनिंग्स जो भी है दो सेकंड इनिंग्स हुआ था शायद तो उसमें बैटिंग करने के फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने गए तो पुजारा रन आउट करा दिया रोहित को. हाँ मुझे याद है ठीक है मुझे और रोहित आउट हो गया रोहित कुड हैव गॉट पुजारा वो वाली इनिंग थी हम आराम से जीत गए थे कम रन चाहिए थे बट पुजारा बट रोहित ने अच्छा साफ किया आपका मेमोरी अच्छा है और आउट हो गया ठीक है आपके मेरे साथ लड़ाई कम हो गई इसके मतलब वेल डन. तो जब विराट आ रहा था तो विराट किसी को गौतम ने बताया दिखा कि ये अगर होता ना पुजारा को आउट करा देता तो ये सोचे दो क्या बात कर रहे हैं गंभीर ने चीज बोली है क्या बात कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स कमेंट्री बॉक्स में हाँ माने ऑन एयर नहीं माने ऐसे माने ऐसा हाँ रिपोर्टेड देखिए देखिए हाँ अगर विराट होता तो उसका ये इनका इतना प्रॉब्लम क्या है ये वर्ल्ड कप में विराट का
रन बना के जीतने वाला उनका ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा गौतम का है. गौतम को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, विराट को मिला कप्तान. विराट ज्यादा बड़ा प्लेयर बन गया, बड़ा प्लेयर बन तो बड़ा है. गौतम गंभीर भी बड़ा प्लेयर है. मैं कह रहा हूँ बड़ा कद में, कद में मैं कह रहा हूँ मेरे लिए गौतम गंभीर से बड़ा सिर्फ युवराज सिंह है, क्योंकि गौतम गंभीर का 250 मिलियन मान लिया इंस्टाग्राम फॉलोअर नहीं है, विराट का है. इसलिए जलन है, जलन नहीं, जलन ही है ना. वो लगाना यार, दिल जलता है जिया मेरा, भीगी भीगी रातों में. जलन नहीं है, जलन नहीं है. अल्टीमेटली यू डोंट वांट टू विन एवरी टाइम यू टेक ऑन हिम. है तो जलन ही ना, आपसे आगे निकल गया. फिर अगर आप बार बार ये बोल रहे हो कि ठीक है मेरे को नहीं मिला ड्यू, मेरे को नहीं मिला, भाई उसको नहीं, ऊपर वाला देने वाला है. अगर विराट ने इतने रन बना दिए, अगर विराट नहीं जीता और जो भी प्लेयर्स आए वो बताते रहे कि वो बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बड़ा गाली गलत चल रहा है विराट के बारे में. गौतम गंभीर वाज सिटिंग इन द बेंच, आई मीन इन द डगआउट, सुनता रहा, खोलता रहा खून, ठीक है, खोलता रहा ठीक है. और होना आई मीन क्या होना था जो अनहोनी हो गया भाई. फोटोज दिखाते रहिए प्लीज टू विंडो में, आपको पहले भी बोला था मैंने. मैच गर्म हो गया तब तक अंदर का, गौतम गंभीर जल चुका, फटने वाला था. और कल बेसिकली कल बैट्समैन आए हार बर्दाश्त नहीं हुई, पूरा आपसे ले रहा हूं. वो देख रहे थे ना विराट कैसे कैसे की बस गोइंग आफ्टर आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं. पहले पूरे मैच में आप हारते गए मतलब इन द सेंस पहले आपके बाय द वे जब आप बोलिंग कर रहे थे आपको लग रहा था मैच जीत जाओगे, 26-27 में खत्म होगा. नवीन लक्स स्लेज कर रहा था. Anybody who saw the match yesterday, नवीन उलक ने वहाँ पे दिनेश कार्तिक को जो भी बैटिंग कर रहा था स्लेज कर रहा था फुल. तभी दे गेव इट बैक टू नवीन उलक, ऐसे नहीं उसको हवा में टारगेट करा इन्होंने. नवीन उलक स्लेज कर रहा था, जब आप बैट की बैटिंग आई आपकी हालत खराब हो गई, आप आउट होने लगे. विराट ने मेरे ख्याल सेकंड या थर्ड कैच ही पकड़ी होगी, विराट ने यूं कर दिया और फिर यूं करा और फिर यूं कर दिया, वो आपको दिख गया. पहले तो आपकी नहीं, बट विराट वाज आफ्टर, यू नो आई मीन, ही वाज प्लेइंग हिज रोल बिल्कुल द वे ही डज बिल्कुल विद अदर लखनऊ बैट्समैन. मैं कह रहा हूं उसने, मैं वही बता रहा हूं कि उसने पहले यूं करके खत्म करा तो गौतम देख, गौतम ने देखा उसके दिल में पहले तो वो लगा, एक लगा कि भाई ये तो एक्साइटमेंट दिखाई हर विकेट के बाद. वैसे भी विराट करते हैं, वैसे भी विराट, आपको पता है विराट से ज्यादा एनर्जी हर बॉल के ऊपर दुनिया में कोई क्रिकेटर नहीं डालता, दुनिया में कोई भी मैच हो हर बॉल पे ही इज पंप्ड अप राइट. कल उन्होंने और करा क्राउड और कल कल अच्छा कल बाय द वे लखनऊ का जन्मदिन भी था. हां एग्जैक्टली अनुष्का का जन्मदिन था. बाय द वे कल लखनऊ के ग्राउंड में पूरे आरसीबी के फैंस थे, लखनऊ के फैन नहीं थे कल, सारे आरसीबी के फैन थे. ये भी आपको लगा, आपकी टेस्ट लगी कल के लखनऊ के ग्राउंड में आरसीबी के फैंस थे. उसके बाद ये मैच जीत भी गए इतना छोटा टारगेट देख करके. तो अब वहां से बताइए मुझे, नहीं वही प्लेयर्स आते गए बोलते गए गौतम गंभीर दिखता रहा कि कैसे उसका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है जब तक एज द ड्रॉ क्लोजर, हां आई मीन लूजिंग विकेट्स, नॉट एबल टू गेट रन्स, ठीक है, केएल राहुल को उतारना पड़ा, इंजर्ड था, फोटोज, हां फिर बस वही से शुरू हुआ करते 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 इट वाज बॉइलिंग. हाथ मिलाने का टाइम आया. Then Kyle में ये वाला he was talking generally. Kyle वो एक आराम से बात. नहीं वो generally talking क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे टाइप का टॉक होता है मैच के बाद. टीम ना एक दूसरे से घुल जाते हैं, मैंने पता नहीं लगता एक साथ नहीं खेल रहे, ठीक है, उनका डिसअपॉइंटमेंट, उनका यू नो शॉर्टकमिंग्स, ठीक है, क्या करना चाहिए मैच, सब डिस्कस करते हैं ओपनली, ठीक है, ओपनली. मैंने आप सोच सकते हो पृथ्वी शॉ आके दिल्ली मैच से पहले, केकेआर मैच से पहले चंद्रकांत पंडित से खड़ा होकर 10 मिनट बात कर प्रैक्टिस. ये इसमें कुछ लुकी छुपी नहीं है, लुका छुपा यू नो आई मीन यू ट्राइंग टू हाइड समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है. ओपनली सब डिस्कस चार्ज पे लगा दीजिए सारी बात. और बस वो भी गौतम भड़का, विराट भड़का इनफैक्ट जब उन्होंने कायल को हाथ पकड़ के वो बात कर रहा था. विराट वाज नॉट इवन गेटिंग इनटू एनी अल्टरकेशन विद हिम, तब ये हुआ. और गौतम गंभीर जब हाथ मिला रहे थे आप देखेंगे, मैं ये बोल रहा तब तक वो गर्म हो चुका था बहुत. हाँ वो अजीब शक्ल ही अजीब लग रही थी, बट यहाँ पर ये जो कलेश शुरू हुआ है कैच करिए. और जब वो खींचकर भी लेके गए ना मेयर्स को, तब भी विराट का कोई रिएक्शन नहीं आया था. ये जो कलेश शुरू हुआ था वहां पर, ये तो हाथ मिला लिया कुछ नहीं, और चेहरा देखिए, उधर देख रहे हैं वो, उधर देख रहे हैं, हाथ मिला के निकल गए कि कोई वो तो है नहीं भाई, ये तो देखने दिखाने के लिए है ना, मुंह भी नहीं देख रहे एक दूसरे का. बट चलिए पहले देखा भी होगा तो भी क्या, लेकिन उसके बाद ऐसा ऐसा टीम कैसे जीतेगा बताओ. मैं ये बोल रहा हूँ इसके बारे में, कायल मेयर्स की जो फोटो, वो तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं. कायल मेयर्स आराम से विराट कोहली से बात कर रहे हैं.
आपका क्या मतलब है कि उसको जाके निकाल के उसका हाथ पकड़ के आप पीछे ले गए और फिर आप भागते हुए आ रहे हो? What the hell was that? अच्छा, और एक चीज है seniority में, सीनियरिटी में गंभीर सीनियर है राइट विराट से, तो आज का डेट में वो रिस्पेक्ट भी, यू नो आई मीन टू अ सीनियर क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर, वो भी शायद नहीं है इंडियन क्रिकेट में. आप देखो शौकीन, जाके नीतीश राणा को गाली दे रहा है, यू नो आई मीन दोस थिंग्स नेवर यूज्ड टू हैपन इन इंडियन क्रिकेट. अब जो जूनियर जब ड्रेसिंग रूम में आते थे रणजी ट्रॉफी और इन रिस्पेक्ट के थ्रू, you know, they never used to challenge any senior. मान लिया, मैं कायल मेयर से वापस आ रहा हूँ, तो कायल मेयर को वापस लेके जाते हैं गंभीर, जो बोला बेसिकली उन्होंने कहा इसके साथ बात करने की जरूरत नहीं है. हाँ, तो ये बोला करने का क्या जरूरत है? उन्होंने विराट कोहली जो आपके इस देश के सबसे बड़ा बैटर है उसको कायल मेयर से टिप्स ले रहा है, बेसिकली टिप्स ही ले रहा है ना, टिप्स ही ले रहा है, विराट से बात कर रहा है अपनी बैटिंग की, क्या मैं और बेहतर कैसे करूं, विराट कोहली इसको बता रहा है, गौतम गंभीर उसको पकड़ता है कि इससे बात मत कर, चल बात करने की जरूरत नहीं. हाउ डिसरिस्पेक्टफुल. ना ना, ये हुआ तो विराट ने बोला चल देख लेंगे, विराट ने बोला देखो चल चल, विराट ने बोला चल देख लेंगे गौतम गंभीर, हाँ बोल मैच तो आएगा ना, हाँ तो ही इज आल्सो पम्प्ड अप दैट ही विल प्ले द द प्ले ऑफ. लखनऊ भी बोल रहा मैं भी प्ले ऑफ खेलूंगा, बट एक चीज बताऊं, जिस टीम में संतुलन नहीं है ना, वो टीम आगे जाने का कोई हक नहीं बनता उनका. आप आरसीबी बोल रहे हैं? दोनों. अभी तक मैंने बहुत मैच ऑफिशियल्स, बहुत लोगों से बात किया, सब यही बोल रहे हैं कि जीटी बिकॉज ऑफ द बैलेंस, धोनी बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस. नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, और थर्ड बोल रहा है राजस्थान, जो भी कुछ भी कर सकता है. प्ले ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये तीनों टीम, फोर्थ टीम कौन है बोलो, उसी क्या तो लड़ाई है. ये जो लड़ाई है, लेकिन जो मेन लड़ाई है जिसको दोस्त लोग सुनना चाहते हैं, पहले उसकी बात खत्म करेंगे फिर प्लेऑफ की भी बात करेंगे. कायल मेयर को गौतम गंभीर पीछे लेके जाते हैं, विराट कोहली वहां पे बोलते हैं कि देख लेंगे आपके अकॉर्डिंगली, कि वहां पे जो सुनाई दे रहा है, आपने भी मैच ऑफिशियल्स वगैरह से बात करी है, तो विराट कोहली को बुरा लगा हो. विराट कोहली वहां भड़के, जो शॉट नहीं आया, शॉट आया गौतम गंभीर का कायल मेयर को लेके जाते हुए, और एकदम से गौतम गंभीर भाग के भागा क्यों, क्योंकि सुना विराट ने कुछ बोला. मुझे भी ये लग रहा था कि कुछ बोला होगा, फिर वो मुड़ा और बोला, तभी था क्योंकि आप जबरदस्ती कायल मेयर को ले गए, जो बनता नहीं था ना, नहीं बनता. He wanted to show him down. देखिए आप मैच पर आपने बेइज्जती करी, आपने डिसरिस्पेक्ट करा. पहले उसने ये किया, डिसरिस्पेक्ट किया, वो वहां से शुरू हुआ, नहीं पहले तो गौतम ने करा, चिन्ना स्वामी गौतम ने किया, पहले गौतम ने शुरुआत करी, गौतम गंभीर ने शुरुआत करी. कल का मैच के बता रहा हूँ, कल में तो ये हुआ, फिर आ गया तू मैं देख लूंगा तू क्या कर लेगा. फिर मैंने डायलॉग भी लिखा था, किसी ने बताया मेरे को, सो फनी मैंने, भाई मुझे पहले दिखा देना, पता नहीं क्या बोला होगा, पढ़ मत देना उसको, पहले मुझे दिखा देना. कोई मैं तो देखिए सुपर चैट दिखाते रहिएगा, नहीं तो मिस हो जाएंगी. क्या करेगा, क्या करेगा, देख लूंगा. ओ किसने कहा, विराट ने बोला, ये दोनों एक दूसरे से जब क्या करेगा देख लूंगा, क्या करेगा देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा क्या करेगा तू. अच्छा, तो ऐसा टाइप का हुआ, जैसे आप और हम लड़ेंगे. लड़ाई नहीं होती, अब लड़ाई करते हो, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी को, लड़ाई नहीं होती, एकदम नहीं करना चाहिए, बट दिखावा ज्यादा होता है कि आ जा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बीच में लोग जो लड़ाई छुड़वा देंगे मोहसिन खान खड़ा हुआ है, गौतम गंभीर को पता, पूरा पलटन खड़ा हुआ है, लड़ाई तो होनी नहीं है, अंपायर्स घुस गए, ठीक है, अंपायर्स ने सेपरेट किया, तो पूरा टीम उधर था और फिर अलग हो गए, जो एक साथ मिक्स हो रहा था, मेयर आके कायल मेयर आके विराट से मिल रहा है, वो जो होता है हर मैच में, कल फिर अलग 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 हो गया, तो विच इज वेरी सैड. और इसीलिए और वही चीज विराट ने उनको समझाने का कोशिश किया कि आप मेरे से आपने किया, आप जब करते हो लेने का भी आप क्षमता रखो, वही चीज वो समझा रहा है, तो इसमें और भड़क गया. तो मतलब इनिशिएट गौतम गंभीर ने किया था, कौन सा ये जो बात है, नहीं नहीं वो जो बोला, ये वाली तस्वीर दिखाओ सर, विराट और गंभीर वाली तस्वीर दिखाओ सर. तो ये जो कल से हम सोच रहे हैं कि विराट ने क्या बोला होगा गौतम गंभीर को, बाय द वे गौतम गंभीर आए, गौतम गंभीर तो लड़ने को पड़ रहे थे, आपने देखा था कैसे हाव भाव थे, बट विराट कोहली ने कंधे पे हाथ भी रखा, बड़ी आराम से कुछ बोला. तो आप ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली यही बोल रहे हैं कि अगर तुम कर सकते हो और हमें सुना रहे हो, तो जब हम सुना रहे हैं तो तुम भी सुनने की हिम्मत रखो या क्षमता रखो. Obviously, I mean, that's what ये बात कर रहे हैं विराट कोहली. He kept talking about this throughout. If you have seen dressing room में जाके जो बात कर रहे यही बोला यही कह रहे हैं, if you can give it then take it, take it, otherwise don't give it. हाँ
और विराट कोहली देखिए, विराट कोहली का जो एग्रेशन है ये नया कुछ नहीं, नया नहीं है। हाँ, वही तो, हमें इसी कारण विराट कोहली है। वो अगर आप ले लोगे तो हाँ। तो पूरा एकदम क्या बोलता है, मुरझा जाएगा, यू नो, फूल जैसा होता मतलब है। यहाँ यह मेन उनका वही, गौतम गंभीर बहुत जिद्दी है, इतना जिद्दी है, वो जिद के कारण ही इंडिया खेले ऐसे टैलेंट वाइज वेरी वेरी एवरेज। पर अब तो सर वो खेल ही नहीं आप, है ना, तो आप मेरे से पूछोगे अक्रॉस द लाइन जाता था, इनिशियली पैड पे खाता था, आउट होता था, वर्ड रन बनाए बड़ा मैच, और रन बनाने का कारण क्या है, ढीट था, ढीट था। और विराट कोहली भी कम ढीट नहीं है, जिद्दी जिद्दी, तो दोनों जिद्दी अगर मिल जाए तो फिर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, पुराना है हाँ। और ये अभी एक भी परसेंटेज कम नहीं हो, ये हाँ। इससे और बढ़ गया, गया। And you know why BCCI took that step to find them? Because इनसे कौन बात करेगा? एटीट्यूड ये इनसे कौन बात करेगा? ये तो लड़ाई चक्र में आ जाता है, तो इनको पैसे काटो हाँ। देर करो, 2 करोड़ जाएगा ना, बिकॉज हाँ। तब थोड़ा पिंच करेगा पॉकेट में, जब पैसा निकलेगा ना। विराट को 1 करोड़ 7 लाख रुपए और गौतम गंभीर को 25 लाख रुपए जब निकलेगा तब पता लगेगा, दोनों की 100% फी। और देखिए ये आईपीएल में हमारा जो फ्रेंडशिप है प्लेयर्स में, अभी देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में सैजन नहीं होता, मारावाड़ी नहीं होता, और आईपीएल की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज, ऑब्वियसली। और आईपीएल में अब ऐसा एक एग्जांपल दे रहा है, गलत एग्जांपल सेट कर, और ये टीम जैसे जैसे बिहेव किया दोनों टीम ने, आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू बी इन दैट। वापस आते हैं, ऑलमोस्ट 4000 दोस्त हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा वीडियो को, और माय 11 सर्कल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस डोमिनोज का एक स्पेशल ऑफर आपके लिए, डोमिनोज फर्स्ट टाइम यूजर जो डाउनलोड करेंगे और वहां पे कूपन कोड यूज करेंगे उनको 500 रुपए के बीच, मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली 200 रुपए ऑफ मिलेगा, या दूसरे ऑफर में 120। कूपन कोड भी आपको दिखा देंगे थोड़ी देर में, सुपर चार्ज भी सारी ले रहे हैं, ये आ रहा है कूपन कोड, डोमिनोज की ऐप पे ही चलेगा। पर वासुदा मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, कल जो तमाशा हुआ है नवीन उल हक और विराट कोहली का, कुछ हुआ फील्ड पे, हो जाता है, विराट कोहली का किससे नहीं हुआ। डोमिनोज का पिज्जा कहां है, आपने खाना है अभी, मंगाते हैं आप, फैन कोड डालिए आपके फोन में, निकालिए डाउनलोड करिए डोमिनोज, फैन कोड डालिए UNIQ 2576, डालिएगा आपको 200 रुपए ऑफ, ये स्पेशली स्पोर्ट्स वाली के लिए। बट मैं अकेला खाऊंगा, आप नहीं खाओगे? सर नहीं नहीं, लड़ो नहीं मेरे साथ, आपका भी लंच किया। अरे तो क्या हुआ, वो तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वापस आते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि विराट कोहली को आपने देखा कल, ही वॉज डिफरेंट, उन्होंने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वाइफ वाज देयर इन द गैलरी, वाइफ वाज देयर, ही कांट बी जस्ट गोइंग एंड यू नो व्हाटएवर द रीजन, मैं कह रहा हूं व्हाटएवर द रीजन, बट ही लव्स बी चार्ज्ड अप, व्हाटएवर द रीजन, मैं बोल रहा हूं लास्ट में हाउ ही हैंडल्ड थिंग्स वाज मच मोर मैच्योर, इट वाज मैच्योर था, उसमें एक बड़प्पन था, उसमें एक क्लास थी। गौतम गंभीर, मैं कह रहा हूं नवीन उल हक, जो मर्जी हो भाई, बाय द वे ही इज अ रिपीट ऑफेंडर, चारू अभी स्टोरी करेंगे उसके ऊपर कि उसने वहां पे पीएसएल में शाहिद अफरीदी से बदतमीजी, श्रीलंका प्रीमियर लीग में शाहिद अफरीदी से पीएसएल में बदतमीजी करी थी, श्रीलंका प्रीमियर लीग में इससे पेरेरा से बड़ा इरिटेटिंग बोलर भी है, बदतमीज आदमी है, क्योंकि उनका चेंज अप पेस इतना इरिटेशन होता है बैट्समैन के लिए, कभी आता है बैट पे कभी नहीं आता। नवीन उल हक को देखो, जो मर्जी वो हो, उसके साथ विराट कोहली का कुछ हुआ, आपस में हुई बात, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, हाथ मिलाते हुए भी हुआ, चलो खत्म हो गई। विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ जाकर केएल उसको बुलाया भी, नवीन उल हक को, वीडियो है प्रॉपर कि तू आके बात कर ले, बात खत्म करो, finish it off ना, obviously talk about it, finish it off, but वो नहीं आया। केएल राहुल ने भी बनाया, उसके कैप्टन ने नहीं आया। उसके बाद काइल मेयर्स से बात कर रहा है विराट कोहली, काइल मेयर्स को गौतम गंभीर ले गए, और फिर गौतम गंभीर ने जो किया, जो भाग के आए, गौतम गंभीर को केएल राहुल रोक रहे हैं, गौतम गंभीर को पूरी टीम, मोहसिन खान ने पहले पकड़ा हुआ है, एक तरीका है to insult someone, मारपीट ही करो ना, तो कह रहा हूँ, गुंडागिरी करो, तो बोल रहा हूँ टिपिकल दिल्ली फाइट, नहीं मुंह से क्यों कर रहे हो, हाथ 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 यूज करो, भाई तो होनी नहीं थी, वो तो सबको ही पता था, ये सिर्फ इंसल्ट करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए आपने करा, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ, टच तो किया ना एक दूसरे को, टच तो धक्का धुक्की हुआ, धक्का मुक्की हुआ, बट मैं आपको बताऊँ, मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें ना 100% कम ये बैन करना चाहिए था, किसको, गंभीर को, दोनों को, एक मैच के, दोनों को फॉर रिएक्टिंग एंड सॉर्ट ऑफ क्रिएट आस्किंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, बैन करना चाहिए था, बैन दोनों को, बट और एक बार हो गया ना ऐसे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने, बट होगा नहीं इस बार शायद, प्लेऑफ मैच नहीं है, प्लेऑफ में होगा, अगर होगा, लेकिन बात ये है, और प्लेऑफ में होगा तो क्या मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा, क्या आपको, आपको झगड़ा होता अच्छा लगता है, झगड़ा नहीं है, बट इंटेंसिटी सोचो ना मैच की, इंटेंसिटी मतलब किस तरीके से अब वो रिएक्ट कर रहा है, बैड ब्लड तो है ना, दिस रियल ब्लड, बट नोबडी वांट्स टू लूज, इमेजिन दैट मैच, बट एनीवे यहां पर ये अच्छा बोला, गौतम गंभीर हु इज नॉट अ प्लेयर, हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, एग्जैक्टली ईस्ट दिल्ली से,
भगत सिंह का फॉलोअर है, सीनियर ऑफ विराट कोहली, जिसने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को दे दिया था, पहला मैन ऑफ द मैच उनका हिस्ट्री में जाके देखो, जिसके साथ जो उसका सबसे लेजेंडरी नॉक है 97 2011 उसमें विराट कोहली वो बच्चा था जिसने 35 रन बना के उसके साथ पार्टनरशिप करी थी। आज आप एक्टिव प्लेयर भी नहीं हो, आपका बनता नहीं था बड़प्पन की आप आओ विराट के कंधे पे हाथ रखोगे, क्या कर रहा है यार तू, आप तो खुद ही लड़ने आ गए। जब 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 हम पत्रकारिता चालू किए तो हमारे सीनियर जो थे फील्ड में हेल्प करते थे, बोलते थे ये स्टोरी लिखो, ये लो, ये हेल्प करते थे, हम ग्रो किए। जब हम बड़े हो गए तो वही सीनियर मार रहे हैं आपको, हाँ उल्टा सीधा बोलने लगे, यू नो हेड एंड शोल्डर, फिर बोलने लगे कि यार ये तो फ्रॉड है, ये तो ये है, ये तो वो है, ऐसे क्या भाई ये तो चीट है, मैं पैसे लिया तुमसे, तुमको मारा मैंने, मैं किसी को मारता नहीं। ये वो लम्हा है जब चालू कब का, हाँ जी, ये गौतम गंभीर ने जब विराट कोहली ने पहले अपने इंटरनेशनल 100 बनाया था तब गौतम गंभीर ने भी यहाँ पे 150 स्कोर किया था, श्रीलंका से मैच था ईडन गार्डन्स में, यहाँ पर गौतम गंभीर को प्लेयर ऑफ द मैच मिला लेकिन उन्होंने विराट कोहली को दे दिया अपना प्लेयर ऑफ द मैच दे दिया। और एक चीज है, गौतम कभी ना कभी सोचता है डीप डाउन इनसाइड, विराट नेवर प्लेड फॉर द टीम, ही प्लेड फॉर हिमसेल्फ, ये भी एक कि अपना रन बनाता है विराट, या गौतम गंभीर थिंक्स ही प्लेड फॉर द कंट्री व्हिच ही डिड, गौतम गंभीर मैं देश के लिए खेला, हाँ जो मर्जी हो उसके, हम उसमें नहीं जा रहे कि गौतम गंभीर क्या सोचते हैं अपने ख्यालों ख्वाबों में, बट ये जरूर है कि आपने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बात है कि जब विराट बच्चा था तो, और जब गौतम गंभीर थे तो उसको मैन ऑफ द मैच भी, कि मेरा बच्चा ये गौतम गंभीर नहीं, ऐसे बहुत हुआ विराट के जो पूजा, ये मेरे को फोन आता था इसके बारे में, लिख अच्छा प्लेयर है, लिख लिख लिख, और वही प्लेयर बाद में इनके बारे में बोलने लगा कि अच्छा नहीं है, जब इनसे भी बड़ा बन गया, जब इनसे भी बड़ा बन गया, यही है ना दोस्तों, मैं यही कल से यही बात हो रही है और इसी पे आ रहे हैं कि जब एक तरक्की एक इंसान को इतनी ज्यादा मिल जाती है ना तो उसको सब नीचे खींचने में लग जाते हैं और बर्दाश्त नहीं होती आपको कि भैया आपसे बड़ा जो कल बच्चा था आपके सामने वो आज आपसे ही बड़ा कद में खड़ा हो गया और इतना पॉपुलर हो गया और इतनी सारी चीज हो गई। कल गौतम दूसरे के खुशी में आपको खुशी क्यों नहीं मिल सकता, ये मेरे को किसी ने जीता है, जैसे हम जैसे शुरुआत किए थे हम देखते थे सीनियर जर्नलिस्ट कैसे स्टोरी करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ करते थे और हम जाके सोचते थे यार मैं भी एक दिन करूंगा एक दिन, और हमने किया भी, हमने जितना फ्रंट पेज में स्टोरी किया किसी माइकल लाल नहीं किया होगा, सही अखबार में, अखबार में और फ्रंट पेज स्टोरीज, और मैं सोचता था कैसे करूंगा, हम देख के इंस्पायर होते थे, कुछ अच्छे चीज आपको, सिंगर है तो अच्छे सिंगर को सुनेगा, ही शुड नॉट फील जेलस, अच्छा ही शुड, अरे यार क्या गाता है यार, आई वुड सिंग लाइक यू, ये अगर बड़प्पन नहीं होगा आगे आप नहीं बढ़ पाओगे कहीं जाके, और कुछ करोगे भी ना आपका शायद कहीं ना कहीं लोग जाके बात करेगा कि ये अच्छा, बात ये हुई थी कि और कोई भी किसी से बात करो दिल्ली में, अरे आपको पता है गौतम गंभीर कैसा है, विराट की किसी से फोन करो बोलता अरे आपको पता है विराट कैसे रहता है ग्राउंड के अंदर, दोनों एक जैसे तो है यार, दोनों लेकिन बात यह है एक्चुअली, बट मैंने ये हाथ का मिरर इमेज है, मिरर इमेज, बट दोस्त गौतम गंभीर हो चुके रिटायर और वो थे मेंटोर, विराट कोहली अभी प्लेयर है, विराट कोहली ने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, WTC खेलना है, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है, उसने एशिया कप खेलना है, उसने ODI वर्ल्ड कप खेलना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है IPL में कोई यहाँ पे हाथ नहीं मिला रहा है, कोई अनफॉलो कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को, सेकंड मैच में आकर गौतम गंभीर एक तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं, आप एक एक्टिव प्लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हो मेंटली, ऑनेस्टली तमाशा बन रहा है ना, बन तो रहा है तमाशा, आप तो क्रिकेट नहीं खेल रहे, आपने तो WTC नहीं जाना, आपने तो ODI वर्ल्ड कप नहीं जाना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की, कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी, कोई इनकी सीनियोरिटी, कोई इनकी मैच्योरिटी है, सीनियोरिटी विराट द वे ही टॉक्स अबाउट सीनियर्स, यू शुड हियर, हाँ कभी गलत नहीं बोला, ना ही इज वेरी वेरी इंसल्टिंग टुवर्ड्स सीनियर्स हु बेसिकली I mean, we were at time bigger than him, then he is bigger. Publicly तो उसने कभी publicly नहीं बोला, कभी गलत नहीं बोला, हम जानते हैं इसलिए बोल रहे हैं, ये तो गौतम गंभीर, गौतम गंभीर जो सोच रखता है विराट के बारे में बहुत ही गंदा सोच है, विराट भी रखता है गंदा सोच, और ये गंदा I mean the way they but why are you washing your dirty linen in public, विराट ने तो नहीं करा, आपने किया ना, कैमरा में तो गौतम गंभीर आया, बट शुरुआत कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहता तो भड़कता नहीं, वो हैंडशेक करके निकल जाता बट विराट का जो एक्स्ट्रा एग्रेशन था ना, बिकॉज ही वाज प्लेइंग इन लखनऊ, ही लॉस्ट दैट गेम, और ये कलकत्ता RCB हो या मैंने खुद देखा है हाउ दे हैव सेलिब्रेटेड ईच अदर्स विक्ट्री एंड लॉसेस, यू नो विक्ट्रीज बेसिकली, और एंड सॉर्ट ऑफ
ये इसको क्या कहते हैं ना, एक एक वर्ड है उसको बोलता है सैडिस्टिक प्लेजर, कि तू हार गया खुशी लेना, हाँ मेरी जीत से इतनी खुशी नहीं जितनी तेरी हार से खुशी। तो विराट हैड अ सैडिस्टिक प्लेजर, कल मजा आया उसको, बट वही है ना, नहीं क्योंकि वो गंभीर, बट पहले शुरुआत कर गंभीर ने करी ना चिन्ना स्वामी ने, तो शुरुआत गंभीर ने करी चिन्ना स्वामी, पे कर रहा था विराट, बट मैं ही आपको बोल रहा हूं, एंड दिस कम्स रूट्स फ्रॉम एरोगेंस दे हैव, दे आर वेरी, मान लिया बट मैं आपको बोल रहा हूं कि आर यू बिगर देन द गेम यू आर सेइंग, नो यू आर नॉट, गंभीर ने तो नहीं खेला ना भाई, विराट ने तो इंडिया के लिए खेल रहा ना। कल एक मेरे को बात बता दो, केएल राहुल लंगड़ाते क्यों आया बाद में खेलने के लिए, देयर इज सो मच प्रेशर ऑन दिस फ्रेंचाइज, लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रॉब्लम ही यही है कि इन पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये बौखला गए, देखो ये फ्रस्ट्रेट, मैं आपको बताया था आपको और दो मैच हारने दो, इनकी पूरा काले चिट के सामने आ जाएंगे, ये ओनर्स कैसे हैं, क्या सोचते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे प्लेयर से बात करते हैं, तो इससे मेरे बड़ा आई हैव ह्यूज प्रॉब्लम व्हेन यू डोंट शो रिस्पेक्ट टू योर प्लेयर्स, और इसलिए मैं बोलता हूँ जो रिस्पेक्ट करते हैं प्लेयर्स को उसकी टीम अच्छा कर रहे हैं, हाँ। और जो नहीं करते, हाँ। वो पूरा एकदम काल कोठरी में बंद है। मैं ये बोल रहा हूँ ना आपको, केएल राहुल का तो कल उससे सिंगल नहीं लिया जा रहा, उससे पिच पे खड़ा नहीं हो जा रहा, व्हाई द हेल आर यू सेंडिंग हिम इन, इतनी डेस्परेशन, इतनी फ्रस्ट्रेशन, वो मैच तो वैसे भी हार ही गए थे। लिटरली आपने कल एक इंडिया प्लेयर के साथ रिस्क लिया है कि उसकी इंजरी और एग्रेवेट हो जाए, उससे खड़ा नहीं होया जा रहा था वो, मैं उधर भी देख रहा हूं, आप सोच सकते हो सोच कितना गिरी हुई है, घटिया घटिया। और मैं आपको बोलता हूं, जब ये सब करे आप इंडिया का, आई वॉन्ट इंडिया टू विन, आई मीन आई डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन आईपीएल, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मजा लेने वाली बात, आप बोला कौन सा टीम है, मैं क्रिकेट के साथ हूँ, बट मेरा क्रिकेट इंडियन क्रिकेट है, बिल्कुल इंडियन क्रिकेट को सफर करेगा जो उसको उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करेगा, विल गो ऑफ, कल ये बनता था इनका केएल राहुल को भी एकदम नहीं बनता था, तो गौतम गंभीर क्या कर रहे थे, गौतम गंभीर का कॉल है ना, इंडियन क्रिकेट की बात, गौतम गंभीर का कॉल है सर, उस दिन आवेश खान आया उसके हाथ पे लगा, मैंने आपको देख के बता दिया, गौतम गंभीर बोल रहा है कि बाहर नहीं आना, बट यू नो दिस इज वेयर प्लेयर हैज टू आल्सो स्टेप इन एंड पुट देयर फुट डाउन एंड से आई मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, कर ले जो करना है, हां वो तो कैप्टन है खेल राहुल, वो कैसे जबरदस्ती प्रेशर, कॉन्ट्रैक्ट का जो बात होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट ये वो, आईपीएल इज अ ह्यूज चंक ऑफ मनी, रिमेंबर दैट, फिजिकल वेलबींग के ऊपर सर आपसे चला नहीं जा रहा, अगर आप बुमराह को पूरा निचोड़ के खत्म कर दिया ना फ्रेंचाइजी क्रिकेट खिला के, इंडिया के लिए बचा ही नहीं है वो, है ना, ऐसा है ना, सही बात, आप दर्शकों आप बताइए, लिख के बताइए आपको क्या ऐसे 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 लगता है कि, लेकिन मैं वापस विराट केएल राहुल के साथ तो कल मैं बहुत आई वाज वेरी सरप्राइज एंड शॉक्ड एंड आई वाज डिसगस्टेड कि इसको भेज दिया, नींद तो आया ना, नींद ने कहां आया, पूरी रात लाइव कर रहे थे, सुबह से लाइव कर रहे हैं, आपकी वेट कर रहे थे, लेकिन बात यह विराट कोहली और गौतम गंभीर ने आपको नींद चुराया, विराट कोहली और गौतम चुराया, दिखाइए एक बार दिखा दीजिए, विराट कोहली और गौतम गंभीर, तो हमने बात करी भाई कायल मेयर्स का हुआ, कायल मेयर्स से विराट कोहली आराम से बात कर रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर खींच के ले गए कायल मेयर्स को कि इससे बात मत कर, इंसल्ट की एक तरीके से कि इससे बात मत कर, उससे पहले विराट यू कांट डू दैट, ही इज टॉकिंग सीरियसली, इंसल्ट की थी, इससे बड़ा इंसल्ट नहीं हो सकता ग्राउंड के अंदर, देखो आप दूर दूर से जो बहुत बड़ी बोल रहे हो, वो बात कर रहा है, हाँ? आपसे बात नहीं कर रहा है, इनसे बात कर रहा है, सही बात, बिकॉज यू आर इन माई टीम, आई जस्ट ड्रैग यू आउट, हाउ विल यू फील, आप इंडियन क्रिकेट और फिर भी विराट आके उससे प्यार से बात करने की कोशिश किया, उस टाइम इमीडिएटली गंभीर से, हाँ गंभीर से, गंभीर जब आए गुस्से से तब भी विराट ने उसको काम काम्ली समझाया, और गंभीर थोड़ा टची भी है, हाँ। एक बार शेन वॉटसन को धक्का मार दिया था, हाँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रहा था, शेन वॉटसन बीच में आ गया था, धक्का मारा, पाकिस्तान क्रिकेटर को धक्का मारा है, शेन वॉटसन ने तो धक्का नहीं मार दिया ना, नहीं गंभीर शुक्र है, इतना 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 ये ऐसा बॉडी लेके, थिन स्लिम बॉडी लेके ऐसा लड़ता है, तो that is something really, वाकई लड़ाई हो जाती तो भगवान ने बचा लिया, कौन सा कि अगर वाकई विराट तो अभी आधा टाइम तो जिम में विराट, लेकिन वो लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए, बट फिर उसके बाद जब इनकी ऑल्टरकेशन हुई, आपने बोला कि उससे पहले जो है गौतम गंभीर ले जाते हैं, और वहां पे फिर इनकी बात, जब गौतम गंभीर लेके गए तो विराट ने बोला कि देख लूंगा, या दोनों साइड से हुआ, विराट ने नहीं, मेरा सिचुएशन ऐसा होता है ना, हाँ। कि इनको पहले मैच से पहले एक रूम में बंद कर दो, रेस्लिंग करो, हाँ, जो करो, बंद कमरे में करो, बंद करना दुनिया के सामने मत करो, नहीं तो उसके बाद विराट ने बोला कि विराट ने भी और गौतम गंभीर ने भी, चल तू क्या है तेको देख लूंगा, राइट, वही दिल्ली की पर्टिकुलर दिल्ली की तकिया कलाम टाइप की चीज है, देख लूंगा, आज देख लूंगा, तेरे को भी देख लेंगे, आ जाइए, ये हो जाएगा, वो जाएगा, उसके बाद गौतम गंभीर भाग के आते हैं, और ये जो नीचे विराट कोहली की तस्वीर है, जो गौतम गंभीर और विराट कोहली की तस्वीर, जहां पे देखा गया कि विराट कोहली बहुत आराम से समझा रहे थे और गौतम गंभीर बखलाए हुए थे, कायल मेयर्स वाली नहीं, ये वाली, यहां पे
पूरा पलटन पहुंचा हुआ था, बड़ा प्यार से समझा रहे थे, बट गौतम गंभीर बिल्कुल बौखलाए हुए थे। ये वाला जो पर्टिकुलर आप बता रहे कि गौतम विराट कोहली ने जो मैच के बाद भी बोला, आरसीबी में भी जो बोला, उसके आरसीबी के वीडियो में बोला कि इफ यू गॉट अ गिव इट, इफ यू गॉट अ गिव इट, कि अगर आप बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी। यही विराट यहां पे समझा रहे हैं गौतम गंभीर को, राइट? एग्जैक्टली। और आई मीन शॉकिंग है, this is shocking, it's never happened, cricket going to this level, this is like the most, I mean 100% a star like Virat Kohli is paying the, and isi karan chahe, you know, I mean super chat ab dikhate rahe, you have to hold on to your greatness and this is where you lose it. Iske baad kya hua Basudha, aapne official se baat kari, iske baad kya hua? Mere ko to mera man, mera agar hota, main agar kuch BCCI mein powerful position hota, main seedha ban kar deta do matches, 100% फाइन हो गया। चलो छोड़, बैन की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई साहब, ये बच्चे लोग देख रहे हैं यार, बात क्या ऐसे हुई? ऐसे बात नहीं करते हम, मजाक करते हैं। तस्वीर को सुपर चैट चलिए। आईफोन 3 बोले गौतम गंभीर ने बेंगलुरु क्राउड को चुप करवाया था, मगर विराट कोहली ने क्लियरली जेस्चर दिखाया कि आप कैच लेने के बाद कि मैच आपको चुप नहीं कराऊंगा, मैं आपको चुप नहीं कराऊंगा, आप सब मेरे हो। हाँ, जो उन्होंने यूं करा था विराट कोहली ने, और फिर यूं करा था और फिर यूं भी करा था। आईफोन फ्रीक बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बाकी दूसरी सुपर चैट दिखा दीजिए जल्दी से लेते हैं। आप सोच नहीं सकते, सैटरडे को दिल्ली का मैच है, दिल्ली के साथ आरसीबी का, क्रिकेट का क्या क्रेज है, एंड दे ऑल वांट टू कम एंड वॉच विराट कोहली। दिल्ली का जो टीम है वो तो पता नहीं, आज तो पूरा दिल्ली काल कोठरी में बंद हो जाएगी। नहीं, आज तो गुजरात को हराएगा, आज दिल्ली जीतेगा सर, आज दिल्ली जीतेगा, देखा चारों भी बोले भाई। ये सुपर चैट गंभीर हो या विराट हो, रुकिए रुकिए, 8-bit संतोष बोल रहे हैं, नवीन ने जब हाथ मिलाया विराट से तो नवीन उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो जा रहा था, विराट ने उसका हाथ पकड़ा था और विराट ने पहले बोला था, वीडियो है भाई, आप नवीन उल हक की जाके हिस्ट्री देखिए, क्या बदतमीजियां उन्होंने शाहिद अफरीदी ने प्रॉपर ट्वीट करे हुए उनके लिए। शाहिद अफरीदी कभी करते नहीं, शाहिद अफरीदी भी पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा स्टार है। शाहिद अफरीदी ने उनके लिए बोला हुआ है, परेरा से फाइट हुई है श्रीलंकन प्रीमियर लीग ने, ही इज अ रिपीट ऑफेंडर, इनका ये मोडस ऑपरेंडी यही है कि किसी ना किसी से पंगा लो और उनका नाम लो। आज हम नवीन उल हक की बात भी ना कर रहे होते अगर उन्होंने ये ना करा होता। इसको हटाइए, नेक्स्ट पे जाइए। मोहम्मद आमिर से भी किया था, जबकि आमिर ने फिर बदले में शायद कुछ बोला भी नहीं उनको। नवीन उल हक की तो पूरी हिस्ट्री आप दीजिएगा ना। नवदीप सिंह बजाज, सुश यू चेक विराट कोहली रिकॉर्ड फ्रॉम फाइट विद अनिल, गौतम, रोहित, सौरव, बेस्टो, यू सी हु इज द प्रॉब्लम एंड शोइंग फीट टू समवन इज नॉट एक्सेप्टेबल। आगे चलिए नवदीप, वो आप यू डोंट नो व्हाट ही सेड, आपको नहीं पता नवीन ने क्या बोला। विराट कोहली ने सबको पैर नहीं दिखाया, सिर्फ नवीन उल हक को दिखाया। नवीन उल हक की हिस्ट्री बताना, फिर आप नहीं सुनना चाहते तो छोड़ दीजिए। गेमिंग विद अंश, गंभीर मेंटोर है, उसको फाइट खत्म करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली, गंभीर मेंटोर है, उनको तो फाइट खत्म करनी चाहिए थी। और सुपर चैट दिखा दीजिए। अमनदीप सिंह बडवाल, वाओ, गुड टू सी बासुदा बीइंग फेयर फॉर वंस एंड नॉट टोटली हेटेड अगेंस्ट कोहली, सल्यूट है दादा। दादा आपके लिए बासुदा, नहीं हेटेड क्या यार, देखो दोनों ही शुरू किया है, लड़ रहे हैं, दिस इज नॉट सिंगुलैरिटी। दिखाइए सिंगुलैरिटी। वेंट टू हीटेड पर्सनैलिटीज, गौतम गंभीर एंड विराट कोहली कम अप अगेंस्ट ईच अदर, ऑल यू नीड इज अ स्पार्क इन केस, इन दिस केस प्रोवाइडेड बाय नवीन उल हक टू मेक इट बॉइल ओवर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो आज से ज्यादा पता है क्या दादा, देवर वेटिंग, मतलब गंभीर वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे मौका मिले बस मैं शुरू करूं। वो जबरदस्ती जंप की ना, नहीं देखिए, अगर 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 कल वो चेस कर देते, दूसरा दिखाइए लखनऊ, फिर अलग स्टोरी होता, फिर अलग स्टोरी होता, फिर गंभीर खुश होता, दूसरी दिखाइए, गले भी मिलता, पिछली बार फोटोज आई थी, और विराट शायद गले भी मिलता, दिक्कत नहीं होती, नहीं करता, नहीं बट पीछे जाके गाली देता वो अलग बात है, मुझे सामने गाले मिलता है कि सामने तो नहीं करा ना, गंभीर ने तो सामने करा ना। सार्थक धसमाना, विराट ने नवीन को जूते की मिट्टी से कंपेयर किया, हाँ ठीक है जी, आगे चलिए दूसरी दिखाइए। सुरभि रॉकस्टार, आरसीबी एक्सेप्टेड इट्स डिफीट एंड स्लेजिंग ऑफ लखनऊ ग्रेशियसली, ये सही बात है दादा। अरे आप फोन रखिए दादा, सारे लोग आ गए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आरसीबी एक्सेप्टेड इट्स डिफीट एंड स्लेजिंग ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स ग्रेशियसली, एलएसजी फेल्ड टू डू सो, सही बात, आपसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। गंभीर फॉट विद विराट कोहली, विराट कोहली डिड, गंभीर ने लड़ाई करी विराट के साथ, विराट ने लड़ाई नहीं करी गंभीर के साथ।
Then how can we say RCB is same as LSD? To hell with IPL, Gambhir compromises World Test Championship by sending KL. ये भी बात सही है. But KL को जब भेजा, KL ने protest क्यों नहीं किया? क्या करेगा वो यार? आप उसपे pressure डाल रहे हो कि जा अंदर. पर कैप्टन ने सॉफ्टी बने पिंक आगे बढ़िया. सुपर चैट सौरभ, यार बासुदा ने तो बाउंसर डाल दिया. बोथ दीज टीम्स डोंट डिजर्व टू विन. इज ही इंप्लाइंग बोथ वर एट फॉल्ट और गौतम गंभीर वाज मोर द ऑफेंडर? गौतम गंभीर वाज मोर ऑफ एन ऑफेंडर, मोर ऑफ एन ऑफेंडर. बट ये है कि देखिए आप क्या है ना, आप जीतने के लिए क्या आप कुछ भी करोगे? कुछ भी करोगे, पागल हो गए क्या? बकवास. और हार के आप, व्हाट अ बैड लूजर, व्हाट अ बैड लूजर यू आर. देखिए विराट का एक अच्छा चीज है कि इज बीन द कैप्टन ऑफ द साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हिच गंभीर वांटेड टू. बेटा मैं आपको एक खुलासा करूंगा, मैं आप लोग इधर चौक जाएंगे. गंभीर ध्यान से बोलिएगा. नहीं नहीं, मैं ध्यान में मैं फैब्रिकेट थोड़ी करूंगा. बोलिए. नहीं ये है कि तरीका भी सोच लीजिए कैसे बोलने, आप टाइम ले लीजिए. हाँ. लेकिन क्योंकि मैं नहीं, बट इतना इतने हाँ सेंसिटिव भी है. हाँ. क्योंकि 2011 में जब टीम में था ना, उनके अगेंस्ट बड़े बड़े लोगों ने बोर्ड में मेरे साथ बहुत कुछ बोला कि आप इनके बारे में लिखिए, लिखते नहीं है. बिकॉज गंभीर इज ऑल्सो लाइक वेरी क्लोज एंड ऑल दैट. सो लिखते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, और मैं किसी से नहीं डरता एक्चुअली. तो मैंने लिखा भी नहीं था एक्चुअली. हाँ. क्योंकि उनके घर में खाना भी खाया जाके, सच बता रहा हूँ. हाँ, जो कैलकटा से निकाल रहा था उन्हें. ठीक है ठीक है. मैं उनको मैनेजर, उनका मैनेजर का नाम है दिनेश चोपड़ा, उनको मैंने बोला कि उसको निकाल रहा है. फेयर एनफ. वो कैसे पता? ही वाज शॉक्ड. फेयर एनफ. ऐसे मैं किया नहीं, क्योंकि घर में जाके किसी का खाता हूँ ऐसे एज अ फ्रेंड. मान लिया तो ही ड्रॉप मी टू माय ऑफिस. आगे आगे आगे. तो लिखना मुश्किल होता है थोड़ा. But one day when he told me that he will be the future Indian captain. Gautam Gambhir ने आपको बोला कि मैं कप्तान बनूंगा इंडिया का? हाँ हाँ. और किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि मैंने उसके उसे कहा था कि आप जो भी करो लाइफ में सपोर्ट की जरूरत होता है. अगर कोई आपके बारे में कुछ बोलता है तो आप उससे गुस्सा मत करिए. आप हाँ उसको समझाया था, दोस्त है. ठीक है. और मेरे से छोटे हैं. ठीक है. और वो जब 200 मारे थे कोटला में, मेरे को याद है मैंने पार्टी दिया था मोहल्ले में. एंड आई वाज ऑलवेज वेरी हैप्पी. इनफैक्ट जब वो दिल्ली से बाहर निकलना चाहते थे, केकेआर से मैंने केकेआर मैनेजमेंट से बात कराया था कि आप बात कीजिए, आप यू गेट द एश्योरेंस दैट इफ यू गो टू द ऑक्शन तो मैंने बोला था बात करो. ठीक है. साइनो मेरा एक दोस्त था जॉय भट्टाचार्य. ठीक है ठीक है. तो बस वही वो सभी बात कर रहा था. तो मेरे को याद है जब मैंने उनको ये कहा, उन्होंने बोला आई एम द फ्यूचर इंडियन कैप्टन. तो मैंने फिर फोन काट दिया था. तो उसके बाद और बात नहीं हुआ. उन्होंने बोला कि ये 2012 ये 11 साल 2012 में उन्होंने बोला कि मैं इंडिया कैप्टन बनूंगा. हाँ 2000 बनने वाले थे. दैट्स व्हाट सिलेक्टर्स वांटेड हिम टू बिकम. ओके ओके. महेंद्र अमरनाथ एंड लेटर ऑन इट केम आउट आल्सो. बट धोनी हटे नहीं थे. धोनी हटे नहीं थे थैंक्स टू मिस्टर एन श्रीनिवासन. तो मेरे को जब बोला था तो मैं बोला यार ठीक है, अब कप्तान है तो हम तो कॉमन सिटीजन है, हम कहां लड़े. बट They have this, you know, Virat also. You can look. But Virat के against क्या है गंभीर के मन में और विराट के मन में गंभीर के against क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ में आती. नहीं, एक वो वाली भी तस्वीर देखिए देखिए. विराट 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 को काटोगे वो काटेगा आपको. हाँ, हिसाब बड़ा सिंपल है. विराट की विराट को काटोगे वो आपको काटेगा. हाँ, वो सुन के नहीं. तो गंभीर ने कैसे काटा? अरे आई मीन द फैक्ट दैट यू नो गंभीर नेवर लाइक्ड हिम. गंभीर को कभी पसंद नहीं लगा. नहीं नहीं, आफ्टर आपको पता ना कद की बात कर रहे हैं. जैसे जैसे विराट कोहली बड़ा स्टेचर में कप्तान बना, ही बेसिकली ही डिजर्व टू बी द कैप्टन. गौतम और जिस तरीके का क्रिकेट खेलते थे वो डिजर्व करते थे कप्तान बनना. मान लिया 100% डिजर्व करते थे, मगर बने नहीं. बने कौन? विराट कोहली. तो ऑब्वियसली एक ये उनमें उनके दिल में है कि मैं डिजर्व करता हूं. उनका उनका दिल में ये भी था कि मुझे नहीं मिला बट विराट को मिल गया कप्तानी. नहीं, 2007 में हाई स्कोर है. मैन ऑफ द मैच कौन? इरफान पठान. इरफान पसंद. 2011 में धोनी पसंद नहीं. 2011 में हाईएस्ट स्कोरर 97 गौतम गंभीर. गौतम गंभीर मैन ऑफ द मैच कौन? धोनी. धोनी धोनी ने बोला तो तेरे को सेंचुरी बनाने से कोई मना किया था? तो धोनी को ही कांट टॉलरेट. आई मीन दैट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स कांट टॉलरेट धोनी. अच्छा, वो धोनी से भी प्रॉब्लम है? हां धोनी. हां धोनी ने बोला धोनी ने जिताया. बोले नहीं,
उन्होंने ट्वीट किया, तो गौतम गंभीर ने तो ट्वीट किया, बोला कि धोनी का नहीं पूरा टीम, पूरी टीम का याद है आपको, हमारा तो उनका वो था, बिकॉज ही ऑलवेज प्लेड फॉर द टीम, दैट्स द कोर वैल्यू ऑफ गौतम गंभीर, इज अ ह्यूज ह्यूज वर्शिपर ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह का कैरेक्टर देखिए, ठीक है, गौतम गंभीर इतना गाटसी है कि अपना जो पैसा है एक बार फ्रांचाइज वापस कर दिया था, he donates whatever money he gets from commentary, he feeds lot of people in his constituency, अच्छे तो गुण है, अच्छे तो नहीं है, लेकिन कर क्या, लेकिन ये तो गलत है ना सर, कि आपको अच्छा कर रहा है तो आपको उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर आपके अंदर देखिए वो क्रिकेटर का एक ये शान शान होता है कि मैं, अरे मैं तो बड़ा हूँ, वो कैसे बड़ा हो गया, यू नो दैट थिंग, बट एज अ ह्यूमन बीइंग तो ये गलत चीज हुई ना, ये कौन देखता है, हु आप, Am I going to tell him? Am I going to tell him? You think they'll listen to us? No, obviously not. नहीं, कल की फिर बात बताइए कि आपने बताया कि उन्होंने एक दूसरे को बोला कि मैं तेरे को देख लूंगा, तू मुझे देख लेगा, फिर विराट कोहली ने बोला भाई अगर आप बोलो हिंदी सिनेमा जब से तुझे देखा उसके बाद जो है ऑफिशियल्स ने देखा, इतना देख रहे हैं सालों से देख रहा है, क्या देखेगा अलग, क्या देखेगा, ऑफिशियल्स ने क्या बताया आपको, ऑफिशियल्स ने क्या बताया, क्या बताया, आई मीन एब्सोल्युटली डिस्गस्टेड, बीसीसीआई इज डिस्गस्टेड, ऐसे टाइप का चीज होना ही नहीं चाहिए, इवन आई एम श्योर गवर्नमेंट लेवल में दे आर डिसगस्टेड, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू गो टू एनी बीजेपी पार्लियामेंटेरियन यू आस्क हिम, गो टू एनी कांग्रेस पार्लियामेंटेरियन दे आस्क हिम, एनी पॉलिटिकल पार्टी यू आस्क हिम, दिस काइंड ऑफ थिंग कांट बी हैपनिंग इन पब्लिक स्पेस, यू कांट बी, एंड क्रिकेट इज सपोज टू बी यू नो सम, एंड IPL इज टेकिंग क्रिकेट टू, देखिए हम देखते हैं रोज ना जब मैच खत्म होता है कितना प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं सारे, आई मीन यू कांट इवन इमेजिन कि अरे मिनट्स बिफोर दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, नटराजन और ईशान शर्मा, मयंक अग्रवाल, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल बोले यार कहाँ भेजा मेरे को, यू नो दे टॉकिंग, नीचे भेजा दे, डिसअपॉइंटेड, इस पे वापस आते हैं गौतम गंभीर और विराट कोहली के ऊपर, यही बात है भाई कि अभी तक हमने आपको ये बताया पूरा चेन ऑफ इवेंट्स बताया, नवीन लग हक एक बहाना बन गए कल, जो गौतम गंभीर के अंदर सालों से जो विराट कोहली के अगेंस्ट आप बोली, आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ नवीन को थोड़ा चाबी देने वाला गंभीर हो, सच्ची में हो सकता है कि तू लड़ नवीन को चाबी देने वाले गंभीर हो सकता है, इफ इट कम्स आउट टुमारो आई वुड बी, बिकॉज़ वो तो मेंटर है ना, मेंटर क्या होगा तेरे अंदर है, मतलब तू जाके भीड़ कोई चीज पता होगी, कुछ तो प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या होता है कभी कभी किसी को आउट करने के लिए स्लेच करना इम्पोर्टेंट होता है, उसमें ही कैन मेक दैट मिस्टेक, तो सर ऊपर वाला माला गरम हो जाता है, तभी वो इतना बैक भी कर रहे थे, तभी उसके लिए लड़ गए, तभी कायल मेट्स को पीछे लेके जा रहे हैं, तमाशे सारे कर रहे हैं, तो नवीन हक ने भी इतना ज्यादा इसलिए करा बिकॉज ही नोज कि मुझे मेंटोर की बैकिंग है, गौतम गंभीर की बैकिंग है, अब मिला लीजिए सब कुछ, मैं सब कुछ बोलूंगा तो खाऊंगा क्या भाई, अब समझ में आ रही है मुझे बात, मैं भी ये बोलूं कल से कि नवीन उल हक की कहां से औकात हो गई कि विराट कोहली से जाके सीधा पंगे ले रहा है, उससे हाथ मिला के खींच रहा है, उसको बकवास कर रहा है, उससे ज्यादा बात कर रहा है, जब तक आपको बैकिंग नहीं होगी आपके मेंटोर की, या आपने बता ही दिया असली कप्तान जब तक है गंभीर ही है, असली कप्तान तो गौतम गंभीर ही है, जब तक आपको बैकिंग नहीं होगी आप क्यों जाके, और वो भी विराट कोहली की थी, हालांकि ये रिपीट ऑफेंडर और है, हमारा केएल राहुल इतना सोवर पर्सनालिटी है, आई मीन उसने तो कल दोनों साइड से, इनफैक्ट आफ्टर दिल्ली टेस्ट मैच सम पीपल मेट हिम इन द विसिनिटी, ये देखिए आप केएल राहुल जो आप बात कर रहे हैं ना, केएल राहुल ने, विराट कोहली गए केएल राहुल ने, और बेचारे के पैर में लगी हुई है, वो फिर भी सुलह करा रहा है, वो कह रहा है कोई बात नहीं नवीन उलक आ जा, नवीन उलक आया नहीं बात करने के लिए, भाग गया वहां से, और उससे पहले भी केएल, मतलब इसके बाद भी केएल राहुल बीच में आए गौतम गंभीर के, वो देखिए वहां खड़े हुए केएल राहुल, केएल राहुल गौतम गंभीर को पकड़ रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो, और एक चीज बताऊं, और एक चीज बताऊं, विराट इज वेरी इमेज कॉन्शियस, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे दैट विल स्नोबॉल इनटू कंट्रोवर्सी, उनका वाइफ और उनका यही ये रहता है कि हमें कुछ ऐसे नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है कि हमें ट्रोल किया जाए, ही डजंट ट्रोल एनीवन, इफ यू सी हिज ऑल हिज वीडियो सोशल मीडिया में जितना भी है मैक्सिमम पेड है, ही इज बिजी विद हिज इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, ठीक है, तो ये उनके पास ये चिंदी वाला काम का टाइम नहीं, वो भी नवीन उलहक के लिए, ओह गॉड, तो उनका ये है जब क्रिकेट खेलते हैं वो स्विच ऑफ स्विच ऑन करने जानते हैं, फैमिली मैन है, मेरे को याद है विराट जब साउथ अफ्रीका, एंड यू नो ही लव्स हिज फैमिली, आई मीन द वे you know look at the support the wife comes there to kahin na kahin he knows how to when to switch off isliye to kar pate hain sara din agar karega
तो फिर तो बाहर से कोई शौक थेरेपी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, चारों आप भी ये बताइएगा कि कल फिर ये गौतम गंभीर को एक तरीके से उनकी उल्टी पड़ गई चाल, जो नवीन उलव को करा, जो उनको लगा कि कम स्कोर पे आउट हो गया, आप जीते नहीं ना, जीते नहीं आप कुछ भी कर लो, जीते नहीं ना, जीते नहीं, बस खत्म है बात कहानी। मतलब आप फिर आप रोते रहो, आप झगड़ा करते रहो, आप कलेश करते रहो, आप विराट को जो मर्जी बोलते रहो, क्या मिल गया आपको? हार गए आप, और अगर आप दो मैच और हार गए, गोयनका जी भी आ जाएंगे आपके पास कि क्या हो रहा है जी, आ जाएंगे ना, खेल राहुल तो बेचारे नहीं, एक्चुअली गोयनका जी आएंगे क्या, उनका इतना इन्वॉल्वमेंट भी है क्योंकि शायद आई डोंट नो ही माइट बी हैविंग स्टेक इन लखनऊ, गौतम गंभीर, बिकॉज़ मेरे को याद है मैंने मेरा लास्ट न्यूज़पेपर का स्टोरी ये था, फ्रंट पेज स्टोरी, गौतम गंभीर स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो फिर तो गौतम गंभीर भी ओनर हो गए अगर स्टेक है तो, हां बट पार्ट ऑफ दे हैव नॉट कम आउट बट आई सस्पेक्ट दिस इज माय आई सस्पेक्ट हां बिकॉज़ गौतम वांटेड टू बाय अ टीम इन दिल्ली, तो दिल्ली का जब कप्तान उनसे गया एंड ऑल दैट एंड मेरे को एक दिन समाचार मिला कि मिस्टर विजय दहिया हैज बिकम द असिस्टेंट कोच ऑफ दिल्ली, तो मैं रिपोर्टर हूँ, मेरा तो मेरा दिमाग हिला, हाँ तो 2020 की सीजन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने फोन वोन घुमाया, फिर पता लगा गौतम इज इन टॉक्स विद जीएमआर, मैंने स्टूडेंट तुरंत स्टोरी ठोक दिया फ्रंट पेज, तो डिनायल शिनायल सब आए, तो डिनायल तो आएगा ही, सच सच तो ऑब्वियसली सच था, तो अभी द फैक्ट दैट इज नॉट विद दिल्ली इज विद लखनऊ, तो कुछ तो हो रहा होगा, ही मस्ट बी हैविंग सम स्वेट इक्विटी, नेवर नो, धोनी इज अ कोऑनर ऑफ बट गौतम गंभीर और विराट कोहली कल जो भी तमाशा हुआ इनके बीच में, पहले तो यहाँ से शुरू हुआ, आप देखिए ग्रेट प्लेयर है नो डाउट अबाउट इट, मेरे तो फेवरेट मैन को बोला भी था भाई बिग मैच विनर हो तो गौतम गंभीर जैसा हो, ये सब जरूरत नहीं है ना, शुरुआत ये जो मैं वही कह रहा हूं ना, कोई भी मेंटोर, कोई भी हेड कोच, कोई भी, और पब्लिक को क्या दिखाते हैं, पब्लिक ही है ये सब जानती है, पब्लिक है और पब्लिक ही गेम को बनाता है भाई, इसको नहीं, अभी ताजा तस्वीरें दिखाइए आप, ताजी तस्वीरें दिखाइए, ताजी तस्वीरें दिखाइए, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, ये गौतम की और विराट की लगाइए, पुरानी वाली मत दिखाइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो गौतम गंभीर ने किया था, फिर आप थोड़ी सी छोड़ देना फोन को, यहाँ पे दो दर्शक आपके लिए वेट करने, तो गौतम गंभीर ने जो कल किया है, मैं पॉइंट ही भूल गया इतने सारे इसके अंदर, गौतम गंभीर ने ना करे मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे इस टाइम पे, गौतम गंभीर ने जो कल किया है जिस तरीके से किया है, मैं वही बोला था कि विराट कोहली, हाँ गौतम गंभीर मेंटोर है, प्लेयर नहीं है, क्या रिकी पॉन्टिंग ऐसे बिहेव करते हैं, क्या माइक हैसन जो कोच है वो करते हैं, क्या सौरभ गांगुली ने किया है, क्या मुंबई वालों ने किया है, रिकी पॉन्टिंग को थोड़ा स्लेच करके देखो ना, प्लेइंग डेज में खा लेगा, मैं बोल रहा हूँ मैच जीतने के बाद ऐसे आ जाएगा, मैच जीतने के बाद कौन सा मेंटोर ऐसा है जो क्राउड को जाके यू कर रहा है, कौन है ये, जो लोग आज गौतम गंभीर के लिए बोल रहे हैं कि ग्रेट प्लेयर है मान लिया, बट इजंट ही आउट ऑफ लाइन कंप्लीटली, ये सब पंगेबाजी शुरू करने में उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का हाथ है, ये आज विराट को लोग बोल रहे हैं, लोग बोले नवीन उलहक, नवीन उलहक तो इज अ नोबडी, उसको तो मैं विराट का फंडा सिंपल है भाई, हम यू यू ऑन योर ओन रिस्पेक्ट फ्रॉम मी, आप रिस्पेक्ट का हकदार हो, आपको रिस्पेक्ट करूंगा, हकदार नहीं हो नहीं करूंगा, चूल्हे में जाओ, आप पंगा लोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, वो तो हमेशा, और आप आके क्वेश्चन करोगे इज बैटिंग प्रोवेस, तो Virat, of course, you know, I mean, he would like it. I mean, who would like it? Because he gives 100%. He won't like me if I'm talking to him like that, because you don't win matches for your team. He won't like it, but I don't care. But Gautam has a different thing. So, Gautam ne ye bola hai Virat ko kabhi? या ये बात हुई है या ये लड़ाई झगड़ा कितना मतलब बैड ब्लड कितना है बिकॉज पिछले मैच के बाद तो ये तस्वीरें डाल रहे थे जैसे गौतम गंभीर ने धोनी के साथ भी तस्वीर डाली थी वो जो हुआ था एक जो स्पैट हुआ था गांगुली और ग्रेग चैपल का स्पैट जब हुआ था उसके बाद क्या हुआ ट्रूस हुआ ट्रूस में क्या ट्रूस मींस क्या बोलते हैं हिंदी में ट्रूस समझौता हुआ समझौता जब हुआ दोनों एक दूसरे मिले तो गले मिले थे क्या एक दूसरे को काटने में थ्रू आउट दे हैड टू गो आफ्टर ईच अदर हमेशा बोला कि मैं तो चैपल का मूवी नहीं देखूंगा कभी अभी 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 तो उम्र जीता पर ठंडा हो जाता है गर्मी गर्मी ये है 2013 का था चारू उसके बारे में बताइए पहले ये कैप्टन थे कोलकाता नाइट राइडर्स के विराट कोहली और दोनों मैच में मेरे वो दिल्ली के अंपायर अनिल चौधरी जी थे अच्छा बेचारे अनिल चौधरी थे दोनों मैच में ये बेचारे 10 साल से यही झेल रहे हैं वो भी दिल्ली के वो भी दिल्ली के 10 साल से अनिल चौधरी यही झेल रहे हैं इसमें भी स्टोरी बनती है कि एक ही अंपायर ने झेला विराट और वो दिया he is the one who actually went in and said no हटो हटो
ये क्या हो रहा है अनिल चौधरी हाँ जी चारू तो मतलब बट शुक्र है हट गया यार हाँ शुक्र है बट सब उधर 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 सारे चौधरी बन गए हाँ सारे चौधरी बन गए मैं तो हटाया बाद में बताना होगा मैं तो हटाया मैं तो लटपट थे मैं तो हटाया सब अलग मैंने ही किया बोले मैंने भी किया सब बोल रहे कि मैंने हटाया सब जाके अपना स्पेस में यही छोड़ेगा ना और हम खाएंगे अरे यार यही आदमी यही था जिसने लड़ाई होने से सब अपनी अपनी फुटेज देंगे कि भाई मैंने किया मैं वहां पर था तो 10 साल बीत चुके हैं 10 साल पहले हमने देखा था वो केकेआर और आरसीबी के लिए दोनों जब खेलते थे तब आमने सामने हुए थे और तब जो भी इनकी लड़ाई हुई थी आपस में 10 साल उस चीज को हो चुके गौतम गंभीर अब खेलते भी नहीं है लखनऊ के वे मेंटोर है विराट कोहली आरसीबी के लिए अभी भी खेल रहे हैं लेकिन वो जो अंदर भड़क रही थी आग धड़क रही थी वो सेम की सेम है एज इट इज है और गौतम गंभीर को ये प्रॉब्लम है कि चलिए विराट को उनको जो चीजें नहीं मिली विराट कोहली को मिल गई है तो विराट कोहली ने भाई साहब ये वाली फोटो मत भूलना पिछले मैच की है ये पिछले मैच की फोटो है जब गौतम गंभीर को देखो और विराट का फेस में देखो जेन्युइनिटी कितना है कितना जेन्युइन है ड्रामे बाजियां नीचे वाले दिखाओ ना पहले यार ये तो 50 बार देख ली ड्रामे बाजियां देखो आप मतलब उनको पागल समझते हैं लोग मैंने इनफैक्ट उनसे पूछने वाला था गौतम साहब हंसते कब हो नेवर नाम में गंभीर नहीं पिछली बार हंस रहे थे जब जीते थे मैच 258 पे हंस रहे थे बैड लूजर वेरी बैड लूजर हू इज अ बैड लूजर गौतम गंभीर वेरी बैड लूजर और ऊपर देखिए फिर ये मेरे ख्याल मैच के पहले की विराट उस दिन आप दर्शकों को बता दो विराट उस दिन मैच खेल रहे थे चेन्नई के साथ मैच हार गए और डिसअपॉइंटेड था फिर धोनी के पास आए फिर हंसने लगे दोनों के बीच में नहीं यू नो दिस इज व्हाट इट इज आई मीन क्रिकेट मैच हो गया उसको उसका मैच में जो हुआ हार जीत तो लगे रहेगा बट यू कांट कैरी इट विद यू ऑल द टाइम इसमें क्या है आप सोच नहीं सकते मैच में रन बनाना कितना टफ होता है बिल्कुल इंटरनेशनल में जाना खेलना उस लेवल पे जाना बिल्कुल वो यू नो आई मीन जब से आप सुबह नींद से उठते हो जो जो आप चीजें करते हो एंड बिफोर द गेम कितना दिमाग में चल रहा होता है कि आपको मैच में जाके बनाना है क्या करना है बहुत प्रेशर होता है देख के ऐसा लगता है बहुत कम लोग है सहवाग जैसे जो गाने गाते हुए चौका मारते थे लोग बहुत सोचते हैं मगर ये दिस इज अ डार्क वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री स्पेशली इन आईपीएल जैसे हरभजन सिंह ने कुछ कहा अबाउट श्रीशांत वो भी उसमें भी मैं उन्होंने बोला आई एम अशेम्ड कि मैं बहुत ज्यादा शर्मसार हूँ कि मैंने वो चीज करी थी मैंने मारा था मैंने बाय द वे हरभजन और श्रीशांत को एक साथ फोटो भी उनको मिलाया था अभी दोहा में गए थे दोनों से बात भी करी आपने मिलाया था मिलाया तो दोनों को मिलाएंगे दोनों को बिठाया इंटरव्यू भी करवाया अच्छा तो बढ़िया था लेकिन भाई एक बात भाजी भाई तो मेरे से बड़ा गुस्सा है अभी भी मैंने लिखा था हरभजन के बारे में मेरे को डराते थे क्या लिखा देख लूंगा देख ही नहीं मैसेज इधर ही था मैं मैसेज कर दूंगा खैर हम आपको ये बता दूं भाई अभी भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है प्यार किया स्पोर्ट्स चैनल को कल रात से लगातार कवरेज भी लेके आ रहे हैं आपके लिए प्लीज चैनल को लाइक अभी के अभी लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं हमारी हिम्मत बढ़ती है हमारे में भी ये जोश आता है कि आपके लिए सबसे पहले